हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम मिल्टन ब्रांड के दो प्रकार के टिफ़न का कंपैरिजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक है हमारे पास हॉट मील 3 थर्मोस्टील सीरीज में ही है, और दूसरा जो है फ्रेंड्स हमने लिया है ये हमारे पास रॉयल टिफ़न 4। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इसका क्विक फीचर्स देखें। फीचर लगभग दोनों में सेम ही है, जस्ट कंटेनर जो है हमारी जो बॉडी है इसमें थोड़ा सा फर्क है। फ्रेंड्स, पहले हम बता रहे हैं आपको हॉट मील 3 का जो है, इसमें जो है कंटेनर की जो नेट कैपेसिटी जो है आप देखेंगे तो अगर ये शायद, तो फ्रेंड्स इसके कंटेनर की जो नेट कैपेसिटी जो है फ्रेंड्स सिर्फ 295 ml है, यानी कि 300 ml के आसपास है। जबकि अगर आप रॉयल टिफ़न 4 की देखेंगे तो फ्रेंड्स इसमें नेट कैपेसिटी जो है इससे डबल है। ये देखिए, ये है 600 ml पर कंटेनर, और इसके साथ जो है ऊपर आप ढक्कन भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम इसके दूसरे फीचर्स देखें तो ये आपका जो है देखेंगे, जैसे आपकी वाटर की थर्मल स्टील बोतल आती है ठीक वैसे ही इसमें फीचर्स हैं। वैक्यूम इंसुलेटेड टिफिन है फ्रेंड्स, डबल स्टील है, उसके बीच में जो है कॉपर की कोटिंग है जिससे आपका खाना ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। 100% रस्ट फ्री है, किसी प्रकार का आपको जंग नहीं लगेगा, पूरे लॉन्ग टाइम कह सकते हैं, लाइफ लॉन्ग कह सकते हैं। और फ्रेंड्स 18x8 क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया गया है आउटसाइड और इनर, और बेनिफिट तो दोनों के लगभग सेम है। आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर द हॉट पाइपिंग फूड, और बेहतर रिजल्ट के लिए जो है आपको कंटेनर को खाने से पूरी तरह से भरना है। और सफाई के लिए जो है फ्रेंड्स आपने सॉफ्ट केमिकल इस्तेमाल करना है, कोई ऐसा केमिकल नहीं इस्तेमाल करना जिसमें क्लोरीन हो, और स्ट्रॉन्ग केमिकल आपने नहीं इस्तेमाल करना है। तो ये तो थे फ्रेंड्स फीचर्स हॉट मील के। अगर हम बात करें रॉयल टिफ़न 4 के, तो फ्रेंड्स फीचर लगभग सेम है, फर्क जो है इसके कंटेनर में है। फ्रेंड्स जो बॉडी इसके अंदर आप देखेंगे, इनर और आउटर बॉडी जो है इसमें आप देखेंगे पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील की है। ये देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये बॉडी है, और इसका आप ऊपर का ये ढक्कन भी आप देख सकते हैं। जबकि रॉयल टिफ़न 4 में जो है फ्रेंड्स जो प्राइस जो कट किया गया है वो है इसके इनर बॉडी में। ये देखिए, पूरी तरह से ये प्लास्टिक है अंदर की तरफ से, तो इस कारण से जो है इसमें जो खाना है वो ज़्यादा देर तक ठंडा यानी कि गर्म नहीं रहता, मे बी 5 घंटे मैक्सिमम ही रहेगा। जबकि हॉट मील में जो फायदा जो है कि इसमें खाने का जो है कंपनी खुद दावा करती है 8 घंटे तो है ही, इवन 6 घंटे तक आपका खाना जो है थोड़ा बहुत गर्म रहता है, मतलब पूरी तरह से हार्ड नहीं हो जाता, पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता। हॉट मील सीरीज के साथ जो है फ्रेंड्स आपको एक कैरिंग बैग भी मिलता है जिसमें आपका खाना जो है इससे ज़्यादा इंसुलेशन होता है, खाने को ज़्यादा मतलब देर तक रहता है अगर आप इस बैग में खाना रखोगे। जबकि रॉयल टिफ़न 4 में जो है आपको ऊपर एक ढक्कन एक चम्मच रखने के लिए मिलता है, ये चम्मच भी इसके साथ आया है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है। प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स प्राइस लगभग दोनों का बराबर है। जो मॉडल हमारे पास है तो प्राइस अगर आप देखेंगे सिर्फ 50 या 100 रुपए का ही अंतर है। ये देखिए, 1560 रुपए का हॉट मील 3 का जो प्राइस जो है फ्रेंड्स ये हमें पड़ा अराउंड 1460 रुपए का, 100-200 का फर्क है। बट अगर आप जैसे ये मिल्टन का रॉयल टिफ़न 4 है, अगर आप हॉट मील 4 लोगे जिसमें 4 कंटेनर होंगे तब जो है शायद 200-300 रुपए का फर्क आ जाए। अगर आपको हम ये दोनों साइड बाय साइड दिखाएं कि कितना खाना आ सकता है, तो ये देखिए हमने ये दोनों रख दी हैं, और ये शायद हमें मॉडल थोड़ा सा हमने गलत अलग ले लिया है। तो ये देखिए, आप फर्क देखिए दोनों के कंटेनर में, इसमें जो है 300 ml है, 3 यानी कि 900 ml, और आप ये देखेंगे 600 × 3 यानी कि 1800 ml, डबल खाना इसमें आ सकता है। बट
दिक्कत यह है कि एक तो बहुत ज्यादा बल्की है, ये सिर्फ पिकनिक बनाने के लिए या आप बहुत ज्यादा खाना ले जाते हैं तो ठीक, नहीं तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो ये आपका रॉयल टिफिन ज्यादा बेहतर है। जबकि ये वाला जो मॉडल है ऑफिस के लिए ज्यादा अच्छा है, खाना आपने ज्यादा लेट खाना है तो ये टिफिन जो है इसके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट, हम दोनों मॉडल का प्राइस जो है लिंक जो है वीडियो के नीचे डाल देंगे, आप चाहो तो दोनों को ऑनलाइन अमेज़न से खरीद सकते हैं, लगभग प्राइस बराबर है। ये चीज आपको लोकल भी मिल जाएगी, अगर आप ट्राई करोगे तो शायद फेस्टिवल सीजन में आपको इसमें बेहतर डिस्काउंट मिलेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।